लीजिए, ये डॉटेड दोनों तरफ मैंने दो सरफेस और फिर यहां पर क्रॉस सेक्शन को कवर करने के लिए ये लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो डॉटेड सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने ड्रॉ किया है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको एनक्लोज करेगा, इस डॉटेड सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्लियर, आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब हम रेडी हैं गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस को स्टडी करने के लिए। तो हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। थ्री एप्लीकेशंस आर देयर इन अवर सिलेबस, वी शैल डिस्कस ओनली दीज थ्री एप्लीकेशंस। नंबर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेट हो और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर। एक वायर हम लेंगे जिस पर हम यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर और थिन वायर। सो वी कंसीडर दैट वायर, सपोज दिस इज द वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग, राइट, कैसा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, राइट, सिमेट्रिक है। मैंने आपको पहले ही बताया गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स और इस पर हम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यानी इस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्ज का। ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेंथ ऑफ दिस वायर, अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। सो दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely long straight wire. We want to know the electric field or electric field intensity due to this structure. So what is our first requirement to calculate electric field intensity? First we have to consider a Gaussian surface, a closed surface, जिसकी बात मैंने पहले की थी भाई, ये चार्ज यहां पर ओपनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एनक्लोज करना पड़ेगा और एनक्लोज करने के लिए मुझे एक गॉसियन सरफेस यहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैसी ड्रॉ की जाएगी, जैसा कि इस वायर का स्ट्रक्चर है, वायर कैसा है सिलेंड्रिकल, तो जो गॉसियन सरफेस होगा वो भी कैसा होगा सिलेंड्रिकल। तो ये लीजिए ये डॉटेड सिलेंडर जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज द गॉसियन सरफेस फॉर दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। नाउ सेकंड स्टेप में मैं ये देखूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर क्या क्या है, क्योंकि
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे वायर के कारण निकालना है, तो इस वायर के कारण निकालने के लिए पहले हमें इस वायर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। हम ये मानेंगे कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लेफ्ट साइड का है, इस पोर्शन को हम नंबर वन नाम दे देते हैं और इसको हम नंबर टू नाम दे देते हैं और इस जगह को नंबर थ्री नाम दे देते हैं। तो वन टू एंड थ्री, इन तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है इस थिन वायर को। तो देखते हैं इस वन पर, वही देखिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए पहले, क्योंकि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और गॉस थ्योरम है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ई डॉट डी एस यूजिंग गॉस थ्योरम लिख देता हूं, गॉस थ्योरम और यूजिंग गॉस थ्योरम बी में राइट क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो एंड दिस क्यू इज एनक्लोज्ड चार्ज। आई एम नॉट राइटिंग ई एन हियर अगेन, इट इज अंडरस्टूड दैट दिस स्मॉल क्यू इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। ओके, और यू मे राइट इट लाइक दिस, ई डी एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, डी एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया वेक्टर डी एस, थीटा इज एन एंगल बिटवीन ई एंड डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सो यू सी from this expression it is very clear that we must know the value of theta, which is an angle between E and ds at place 1, place 2 and place 3. तीनों जगह हमें E और ds की direction पता होनी चाहिए, तभी जाकर के हम इस theorem को इस structure के लिए apply कर पाएंगे। तो first place पर देखते हैं, यहाँ पर देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द वायर जाएगा, ये लीजिए ऊपर की साइड में देखें तो ऐसे जाएगा और नीचे की साइड में देखें तो ऐसे जाएगा, क्लियर है, क्योंकि ये सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, परपेंडिकुलर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड ऊपर की तरफ। सिमिलरली यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा और यहां भी इस तरीके से होगा, ये थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड प्लेस पर देखते हैं, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई थिंक सबको क्लियर होगा, ये सिंपल सी बात है, ये वायर है, इस वायर के परपेंडिकुलर सरफेस पर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, ये तो क्रॉस सेक्शनल सरफेस है, इसके तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जाएगा, तो हम उसकी बात करेंगे वहां पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है यहां नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, इस सरफेस पर है, कर्व्ड सरफेस पर है, इस सरफेस पर, यहां इस क्रॉस सेक्शन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कर्व्ड सरफेस पर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा या फिर इधर होगा, ऐसे इधर होगा या इधर होगा, ऐसे यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या इधर होगा। चलिए अब हम एरिया वेक्टर की बात कर लें, प्लेस वन पर एरिया वेक्टर ये होगा वेक्टर डीएस, जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी होगा, राइट, हम जानते हैं वेक्टर डीएस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप एंड डीएस, राइट, एन कैप एंड डी एस, ओके, इसको इस तरीके से लिखें, इस तरीके वेक्टर इधर आएगा, इस डी एस पर आएगा, डीएस इज इक्वल टू एन कैप डॉट डी एस, ये डी एस हो गया, एन कैप हो गया, ऐसे ही यहां पर भी एन कैप इस तरफ होगा, क्यों होगा,
भाई ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होगा, इधर ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होगा, और ये सरफेस है तो ये जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पर तो एन कैप इधर होगा या इधर होगा, तो जिस डायरेक्शन में एन कैप होगा उसी डायरेक्शन में डीएस होगा, उसी डायरेक्शन में डीएस है। तो इस इक्वेशन वन को अब मैं इस स्ट्रक्चर के लिए लिखते हैं, अप्लाइंग इक्वेशन वन फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। इसको तीन पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। वन पर देखें, वन पर ई डीएस इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैग्नीट्यूड डीएस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएस कॉस थीटा क्या होगा, ये होगा या ये होगा, ये 90 है ये भी 90 है तो कॉस 90 हो गया। प्लस टू पर देखें, टू ई डी एस कॉस टू पर देखें, ये एन कैप है, एन कैप जिस तरफ होगा उस तरफ डीएस होगा राइट, ये ई है तो ये एंगल ई और डीएस के बीच 90, ये भी 90 चाहे ऊपर से ले हो चाहे नीचे से ले 90 डिग्री एंगल आ रहा है। प्लस इंटीग्रेशन थर्ड पॉइंट की बात करें तो जिस तरफ ई है उसी तरफ एन कैप, जिस तरफ ई है उसी तरफ एन कैप, तो ई और डीएस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब कॉस 90 तो सब जानते हैं जीरो होता है, तो ये टर्म तो जीरो हो गई और ये टर्म भी जीरो हो गई, तो केवल क्या बचा, ई डी एस कॉस जीरो होता है वन, तो ई डी एस ओनली इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसको मैं इक्वेशन नंबर टू दे देता हूं। सिंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज लीनियर देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी वुड बी इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इफ आई कंसिडर एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, सो यहां से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, लेमडा इंटू एल, क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल राइट। सो देयरफॉर इक्वेशन टू विल बी इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके आगे चलते हैं, सॉरी मैंने ये वेक्टर लगा दिए, यहां वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, इसको दोबारा ही लिख लेता है, दोबारा लिखता है। सो इक्वेशन टू विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और नाउ ई इज ए स्केलर मैग्नीट्यूड है, डी एस इज ऑल्सो स्केलर मैग्नीट्यूड है, तो बाहर लिया जा सकता है ई को, और क्लोज्ड सरफेस का एरिया कितना होगा वो अभी हम बात करेंगे, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब एरिया किसका आएगा यहां पर, एरिया जो यहां पर आएगा वो कर्व्ड सरफेस का एरिया होगा। दिस यहां पर मैं बता दूं, इस टाइप से हमने एक वायर लिया था और इसके चारों तरफ ये गॉसियन सरफेस थी। यदि इस गॉसियन सरफेस का इस क्रॉस सेक्शनल पोर्शन का रेडियस आर मान लेता हूं और ये लेंथ एल है, ये भी आर होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आना चाहिए, टू पाई आर इंटू एल। ये आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स में, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो इतना ही आएगा, क्योंकि केवल यही सरफेस कंसीडर किया जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी, तो टू पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ एल से एल कैंसिल हुआ, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन जीरो, या फिर लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन
2 pi epsilon 0 or r. So this is the electric field due to an infinitely long straight uniformly charged thin wire. Okay, this is an expression for electric field intensity due to an infinitely long uniformly charged wire. Thank you, students.